जी बिल्कुल। फिर तो सबसे ज्यादा महंगी होगी इनमें से? नहीं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बाकी उसके मुकाबले ये महंगी है या सस्ती है? सस्ती है सर ये तो काफी। आज हमारे पास सर जितनी भी उमरेक्स की पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, आज वो हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। उमरेक्स को क्यों लोग ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि सर ज्यादातर तो इसमें FPS एंड पावर ज्यादा होती हैं। FPS, और ये किस कंट्री में बनती है? जर्मनी की बनती है, ताइवान की बनती है, ज्यादा जनवरी में बनती है। जर्मनी। तो आपके पास कौन कौन से मॉडल्स हैं आज हमारे पास? इस टाइम हमारे पास ग्लॉक की ग्लॉक 17 जेन 3। तो इसमें क्या है इसके इसमें रिंग्स लगते हैं, चार रिंग्स होते हैं। इसमें पायलट्स एंड बीबीज आप दोनों फायर कर सकते हैं। तो इस गन में पायलट्स एंड बीबी दोनों फायर कर सकते हैं वो। और दूसरी गन कौन सी है? ये है CP88। ये सिर्फ पायलट्स है, इसमें रिंग आते हैं 8 राउंड्स के। और ये मतलब ये जो गन बॉक्सेस रखे हुए हैं, क्या ये साथ में फ्री मिलता है कि साथ में? जी साथ में बिल्कुल फ्री मिलता है, ये फ्री मिलता है जी। और दूसरी गन कौन सी? ये भी सेम लग रही है जी, ये भी ग्लॉक की है, उमरेक्स जेन 4 है। इसमें सिर्फ बीबीज होती है, इसमें बीबीज फायर कर सकते हैं आप। बीबीज फायर कर सकते हैं? और इसमें कितने बीबीज चलते हैं एक बार में? 16 राउंड्स फायर कर सकते हैं। 14-16 राउंड, बट होती कितनी, मतलब ऑफिशियली कितने राउंड? 18 राउंड्स होती है। 18 राउंड लग सकते हैं। और दूसरी गन जो नीचे है वो कौन सी गन? ये है बरेटा की 84 FS, ये भी बीबी पिस्टल है और ये भी ब्लो बैक है। तो ये क्या मेटल की होती है, प्लास्टिक की होती है? जी बिल्कुल मेटल की होती है, इसकी मैगजीन थोड़ी बहुत प्लास्टिक से आती है। मतलब ये प्लास्टिक क्या वो जो टूटने वाली प्लास्टिक होती है? नहीं, टूटने वाली नहीं। उसके नीचे कौन सी गन है? ये मैंने फिल्मों में बहुत सारी गन्स देखी हैं। जी कौन सी है? बिल्कुल, ये है बरेटा की 9211, ये फुल्ली मेटल में आते हैं, आप देख सकते हैं फुल मेटल है ये। ये कितने किलो की गन है? 1.5 के आसपास होती है केजी। अच्छा पक्का? मुझे लगता उससे थोड़ा कम होगी। हाँ, इसके ऊपर मेरे ख्याल से 1.25 किलो की गन मुझे लग रही है। ठीक है, और ये क्या मतलब क्या ये इन सब गन्स के लिए क्या लाइसेंस लगता है? जी नहीं, ये 0.177 की होती हैं, इनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, 0.177 का मतलब क्या होता है? 0.177 क्या है मतलब? इसमें आप देख सकते हैं ये होते 0.177, ये इसमें ये यूज होते हैं, तो इनके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, 0.17 की साइज है? साइजेस हैं बीबीस के। इसको 4.5 mm भी मेरे ख्याल से बोलते हैं। जी बिल्कुल। और इन ये जितनी भी गन्स हमारे पास है उनमें सब में सिर्फ बीबी डलती है कि पैलेट्स? बीबीस पैलेट वाली में, जैसे कि ये पैलेट्स वाली हो गई, ये पैलेट वाली हो गई, एंड सभी लगभग तो सभी पैलेट दिखा सकते हैं? बिल्कुल, ये पैलेट लगती है इसमें, ये पैलेट है जी। ठीक है, और दूसरी गन आप कौन सी बता रहे थे? उसके बगल में भी एक और गन है, वो जी, बरेटा लग रही है। ये भी बरेटा की M9A3A1 है, इसमें भी बीबीज यूज होती है। इसमें बीबीज यूज जी होती है। ये भी फुल्ली मेटल आती है। ठीक है, और ये मतलब सिर्फ ब्लो बैक का एक मैंने कहीं पढ़ा था आपके ऑफिस में, ब्लो बैक और नॉन ब्लो बैक में क्या अंतर है, क्या कहते हैं? और जैसे कि ब्लो बैक में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी ये CP88 लेते हैं, ठीक है, ये नॉन ब्लो बैक है, ये सिर्फ ट्रिक करने से फायर होती है। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि आप बरेटा 9211 ले लीजिए, 84 FS Gen 4, और ये M9A3A1, ये चारों गन्स ब्लो बैक होती हैं। एंड हाँ जी बिल्कुल, और ये भी होती हैं Gen 3। हाँ, तो ब्लो बैक में होता क्या है बेसिक? ब्लो बैक में सर कैसे होता है कि जैसे कि अभी Gen 3 है, ओके, तो उसका स्लाइड पीछे आता है जी बिल्कुल, और बैक फायर होता है जी। दूसरी रिवॉल्वर्स है, इसे रिवॉल्वर्स कहते हैं कौन? इसमें ये भी रिवॉल्वर सर, ये स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर है, इसमें भी बीबीज यूज होती हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या गोली की बाहर आती है कैसा? नहीं सर, इसमें ये जो सेल्स है, यहाँ पे बीबीज डालना था, फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो बिल्कुल असली गोली ऐसी लगती है जी। तो ये इस गन के अंदर लगती है जी, क्या ये बाहर निकलती है कि क्या है? बीबी से बाहर निकलती है, सेल्स अंदर होते हैं। अच्छा, गन के इसके अंदर छर्रे डलते हैं जी, और वो छर्रे जो है फायर सिर्फ छर्रे बाहर होते हैं। हाँ, जो सेल्स गन के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, और जो नीचे गन आपके पास है वो कौन सी गन है? ये है कोल्ट पैथन 357, इसमें भी आप पैलेट्स एंड बीबीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक गन के अंदर दोनों फायर कर सकते हैं? बीबीज एंड पैलेट दोनों फायर कर सकते हैं जी बिल्कुल। फिर तो सबसे ज्यादा महंगी होगी इनमें से? नहीं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बाकी उसके मुकाबले ये महंगी है या सस्ती है? सस्ती है सर ये तो काफी। वाह, मतलब ये बाकी से सस्ती है, इसके अंदर बीबीज और पैलेट दोनों भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे एक गन रहेगी वो कौन सी गन है? ये है वॉल्थर का PPKS, इसमें PPKS जी। ओके,
तो इसकी क्या खासियत है? ये सर कॉम्पैक्ट में आती है, आपके हाथ में आप देख सकते हैं, हाथ में प्रॉपर बैठती है, सही लगता है हाथ में प्रॉपर, छोटी सी है, प्यारी सी। तो अगर मुझे ये सारी गन्स खरीदनी होगी तो कैसे खरीदेंगे? आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं airsoftgunindia.com, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं airsoftgunindia.com। और अगर मुझे वेबसाइट पे ऑर्डर करना ना आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com पे। आपका कोई कॉलिंग नंबर है वो कहाँ मिल सकता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। तो इस पे कॉल जो नंबर है कॉलिंग का, उस पे हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी रहता है एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। और ये क्या मैं 24 घंटे कर सकता हूँ कि कोई टाइमिंग है? टाइमिंग है सुबह से 10 के लेके शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक जी। और संडे को भी कॉल कर सकते हैं? नहीं सर, संडे को नहीं, संडे को तो बंद रहता है। और पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या आपके? पेमेंट के ऑप्शन तो सभी है सर हमारे पास, जैसे की गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप हमें ईएमआई भी करा सकते हैं। अच्छा, ईएमआई के ऑप्शन है? कैसे? क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ईएमआई करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम ईएमआई भी करा सकते हैं जी। मतलब अगर ये सारी गन्स तो मेरे ख्याल से महंगी है, 30-40 हज़ार रुपए से ऊपर है जी। तो इसको मैं चाहूँ तो क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी करा सकता हूँ जी। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ईएमआई भी कर सकते हैं। ओके, और ये मुझे इंडिया में अगर खरीदना होगा तो कितने दिनों में आएगा? और आप लोग कहाँ से डिस्पैच करते हैं? हम मुंबई से डिस्पैच करते हैं, ऑल ओवर कैपिटल सिटी मुंबई में है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया करते हैं। और इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। तो इसके लिए कुछ देना पड़ता है? जी बिल्कुल, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड मतलब इसके सबके लिए चाहिए जी। ये गन जब ऑर्डर किया जाए जी, तो उसे कितने दिनों बाद मिल जाती है? सर 5-6 दिन के आसपास आपको डिलीवर हो जाएगा आपके घर। 5-6 दिन में जी। और अगर ये गन्स को मुझे पर्सनली आकर के लेना होगा तो ये आप हमारे? जी बिल्कुल, आप हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। तो आपका ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में सर, गोरेगांव। अच्छा, मुंबई के गोरेगांव में आप ले सकते हैं जी। तो क्या मैं डायरेक्टली आकर के ले सकता हूँ बिना इन्फॉर्म किए? नहीं सर, आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा ई-कॉमर्स साइट है वहाँ पे पैकिंग्स बहुत सारी चलती हैं। तो आप आएंगे, अगर आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे तो हम कैसे कि गन निकाल के रखेंगे, तो देन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका काम फटे जल्दी से हो सकते हैं। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से समझाया। क्या इतनी ही ऑर्डर्स हमारे पास अवेलेबल है? और भी हैं। और भी हैं जी बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो के लिए हम इतना कर रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सस्ती गन्स और राइफल्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सस्ती गन और सस्ती राइफल्स के साथ में।